तो गाइस आई होप आप सब ठीक होगे। हर हर महादेव। मत बनाना। ओके नहीं बना रहे। सो गाइस आ चुके हैं नई ट्रिप के साथ। तो आज का जो प्लान है हमारा बहुत ही लंबा लेंथी और काफ़ी दिनों का है। सो प्लान जो है बेसिकली फर्स्ट हम जा रहे हैं देहरादून। शाहरा फिर से हमारे साथ उसी गाड़ी के साथ जो हम वृंदावन ले गए थे। ये गाड़ी साफ कर रहे हैं। ये रहे हमारे साथ के लोग। अभी यहाँ पे हम दिल्ली से पहुँचे हैं। नाइट हमने दिल्ली में स्टे किया था। तो अभी हम रास्ते में ही है देहरादून के लिए। ठीक है, तो ये ढाबा है, यहाँ से कुछ हम खाए पिएंगे थोड़ा, क्योंकि सुबह हमने नाश्ते में सिर्फ एक पैटी खाई थी। उसके बाद अब कुछ देखते हैं खाने पीने का। लो भाई आ गया हमारी लस्सी। बारिश आ गई बाहर। कुशाग्र के घर वालों से रिक्वेस्ट है इसे गाड़ी मत दिया करो। भाई बहुत गंदी चलाता है। सो ये बारिश भी हो रही है और पहुंच चुके हैं नाटकाली मंदिर की तरफ। ये रास्ता है, मेन हाईवे से कट होता है तो ऊपर राउंड सा लेके कट मिलेगा आगे, वहाँ जाने का रास्ता है मंदिर का। तो भाई अब पहुंचने वाले हैं हम डाटकाली मंदिर, इसमें आपको दर्शन करवाएंगे। तो ये रहा भाई मंदिर डाटकाली का। डाटकाली का मंदिर। सो बेसिकली यहाँ की स्टोरी क्या है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाते हुए यहाँ मजदूरों को ना काली माता की मंदिर की मतलब काली माता की मूर्ति मिली थी। तो उस मूर्ति के बाद उन्होंने मिलने के बाद आगे और काम करना शुरू किया, पर उनको काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब वो काम कर रहे थे वो बिगड़ जा रहा था काम, मतलब और फैली जा रहा था काम। तो क्या हुआ फिर उस वक्त जो वहाँ पर अंग्रेज इंजीनियर था उसके सपनों में माता आई, काली माता आई। उन्होंने उनसे कहा कि भाई यहाँ पे तुम्हें मंदिर स्थापित करना है। तो भाई इस वजह से यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया और उस अंग्रेज ने यहाँ पे मंदिर बनाया। और बनाया गया कब, ये बनाया था करीब 30 जून 1804 में। सो भाई ये यहाँ की स्टोरी है मंदिर की। ठीक है, बाकी आपने मंदिर दर्शन कर लिया, आगे कीप वॉचिंग, आगे आपको और भी ऐसे अच्छे सुंदर मंदिर के दर्शन करवाएंगे। सो गाइस कीप वॉचिंग। एक और बात जानने को मिली है भाई, यहाँ पे जब भी कोई न्यू गाड़ी या कोई भी न्यू व्हीकल लेके आता है यहाँ पे जरूर दर्शन करवाने लगता है, यानी कि माथा टेकने के लिए।
थार लेगा जब मानविंद्र, तब तुम भी कुछ लेंगे तो आएंगे। अगर तुम दिलाओगे तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हम कुछ लेंगे फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव, दर्शन करवाते हैं आपको टपकेश्वर महादेव के। ये मार्केट है यहाँ आसपास, तो पार्किंग की जगह देखेंगे देन फिर आगे आपको दर्शन करवाते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे पार्किंग पेड़ पार्किंग है आई थिंक, नहीं बोल सकते। ये मार्केट है टपकेश्वर महादेव की, लिफ्ट की सुविधा भी है यहाँ पे, इधर लिखा हुआ है। सो रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने का सारा आपको मिल जाएगा। बाकी मंदिर के आसपास प्रसाद लेने का ये मार्केट है। सो मेन जो है ये है रास्ता जाने का गेट। तो यहाँ टपकेश्वर महादेव की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे केव है जहाँ पे भगवान शिव की शिवलिंग है। यहाँ पे एक नहीं दो शिवलिंग है। तो स्टोरी कुछ इस तरह की है कि महाभारत काल से रिलेटेड है, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, कौरव और पांडवों के गुरु थे, तो उनका ये एक तरह का निवास स्थान होता था। तो जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो जो उनकी माता थी वो उन्हें फीड देने में मतलब असमर्थ थी। तो उस केस में क्या हुआ था फिर, अब जो द्रोणाचार्य जी थे उन पे इतना मतलब नहीं पैसा था कि वो बाहर से गाय का दूध भी लेके दे सके थोड़ा, क्योंकि आपको पता ही, आपने महाभारत का सुना होगा, जो द्रोणाचार्य जी है उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियली थोड़ी सी हालत ठीक नहीं थी, तो वो मतलब नहीं खर्च कर पा रहे थे अपना खाने पीने के रिगार्डिंग ये वो। तो इन्होंने भगवान शिव की जो है आराधना करी, उनको प्रकट किया। ठीक है, तो भगवान शिव ने वहाँ क्या किया था, जो गुफा है गुफा के ऊपर छत पे उन्होंने जो गौ माता का वो स्थान होता है उसको मतलब वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, और जिसमें से दूध टपकने लगा शिवलिंग के ऊपर। वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुई, ऊपर थन लगा दिया गौ माता का और वहाँ पे वो टपकने लगा दूध, तो वो दूध सीधा शिवलिंग पे गिरता था। अब शिवलिंग से होके जो दूध है वो इकट्ठा करते थे और वो अश्वत्थामा को पिलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी है बेसिकली, जो भगवान शिव की दो शिवलिंग जो यहाँ प्रकट हुई थी और वहाँ से। लेकिन अब जैसे अब आपको पता है कलयुग है, अब कलयुग के टाइम पे वो दूध की जगह वो पानी बन गया, अब तो वहाँ से पानी टपकता है। ठीक है, तो भाई ये थी स्टोरी। तो बाकी आगे यहाँ पे ये नदी है, एग्जैक्ट नाम मेरे को पता नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे डाल के नाम कौन सी नदी है ये। ठीक है, बाकी प्रेशर बहुत आ रहा है पानी का। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप मंदिर का गेट मैंने आपको दिखाया ही है, तो ये देखो यहाँ से गेट। सो गाइस एक बताता हूँ आपको, पिछले साल की एक स्टोरी है, यहाँ पुल था ये वाला। ठीक है, अब कुशागर ने मुझे बताया कि ये पुल था, आप देख सकते हो पुल वहाँ पे, तो ये टूटा हुआ था, कलर का बना हुआ, इतना पानी था कि ये बह गया था पुल। और ये कि जो सेकंड वाली जो ये है, इतना इतना पानी था यहाँ पे। बाकी नीचे जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पानी था, पिछले साल की बात है ये, जब पानी वानी ज़्यादा आया था। केव है भाई, पानी टपकता है यहाँ पे।
प्रसाद मिल गया भाई, प्रसाद ग्रहण करते हैं पहले, ऐसा लगा दर्शन करके भोलेनाथ जी के। अब यहाँ नदी है, यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, चांसेस होते हैं यहाँ पे सांप के होने के, सो बाकी कोई बात नहीं। तो गाइस ये करें आपने सपकेश्वर महादेव जी के दर्शन। अब आपको नेक्स्ट लोकेशन पर जाएगी, उससे पहले हम ले गए रूम और कुछ खाए पिए गए, बाकी जैसे भी रहेगा आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ तक ये वीडियो थी सपकेश्वर महादेव की, आगे आपको दिखाते रहेंगे। कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, हर हर महादेव।